हे गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल की एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृत में अनुवाद। अनुवाद तो आपने ज़रूर सुना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। अब मैं आपको उसके कुछ बेसिक रूल्स बताता हूँ। तो रूल कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, हमारे पास कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई वर्ब होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब इन तीनों के साथ हमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको अभी एग्जांपल्स के साथ। हाँ, तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है बालक पढ़ता है। अब देखिए, अब बालक पढ़ता है, यहाँ पे क्या है, बालक तो हमारे पास सब्जेक्ट है और पढ़ता है हमारे पास वर्ब। तो बालक की फॉर्म होती है, आपने वो पढ़े होंगे, कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, पदान से अलग, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, उसका यहाँ बहुत यूज होता है। बालक पढ़ता है तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है, बालक एक बालक है तो पहली फॉर्म बालक कहा, यानी कि एक बालक, तो एक बालक के लिए ये यूज होता है, तो ये वहाँ पे लिख देंगे, यानी कि बालक कहा। अब देखिए पहली फॉर्म, अब यहाँ पर रिजर्व हो रखे हैं, अगर बालक आएगा यानी एक बालक आएगा तो ये होगा, दो बालक तो ये, तीन बालक तो ये, और बाकी तुम वाली फॉर्म्स आएंगी तो उनके लिए ये नीचे वाली सेकंड लाइन आएगी तुम के लिए, और अगर मैं से रिलेटेड फॉर्म आएगी तो उसके लिए थर्ड वाली लाइन आएगी, ठीक है। ये सारे रिजर्व हो रखे हैं। तो अभी हमारे पास है एक बालक, तो हम पटती का यूज करेंगे, तो बालक कहा पटती, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस है राम मैदान में खेलता है। यहाँ पे राम हमारे पास सब्जेक्ट है, मैदान हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और खेलता हमारे पास वर्ब है। अब मैदान में, यानी यहाँ पे कारक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बताया था मैंने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान, अधिकरण में, पर, जो भी बताया था मैंने, तो सप्तमी में आता है अधिकरण में पर, यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी कौन सी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बाल के, यानी हम बाल के तो वहाँ लिखेंगे राम की जगह, तो रामे बाल की तरफ हम बनेगी, रामे मैदान में, मैदान सॉरी उप्स का सॉरी, राम की तो हमें राम वाली ही फॉर्म बनाएंगे, एक राम है तो राम ही लिखेंगे, ये मैं मैदान का करना था, मैं थोड़ा भूल गया था। मैदान, मैदान का क्या होगा, मैदाने, ये यहाँ पे वही मैं अभी जो मैंने किया था, मैदाने, खेलने के लिए वर्ब होती है क्रीडति, राम मैदाने क्रीडति, एक ही राम है तो यानी ये आएगा पहला वाला, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस आता है सोहन विद्यालय जाता है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, सोहन विद्यालय जाता है, इसमें कर्ता चिन्ह क्या है, तो कर्ता चिन्ह देखिए बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, सोहन कहाँ को जाता है, विद्यालय को जाता है, यानी कर्ता ने, कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति आएगी, द्वितीय बाल कम आएगा, तो यानी कि सोहन तो हमारे पास पहला फिर से है सोहना, अब विद्यालय की द्वितीय फॉर्म यानी विद्यालयम, जाते के लिए गच्छति आता है, गच्छति फिर से एक लड़का है तो एक ही आएगा, फर्स्ट वाली आएगी। अभी मैं आपको अब और इसके थोड़े से एग्जांपल्स कर, तो गाइस हमारे पास तीन एग्जांपल्स अभी और है। तुम कहाँ जाते हो, अब आप यहाँ पे जरूर देख रहे होंगे तुम यानी कि, अब आपको तुम का मतलब जरूर पता होगा, तुम के लिए तुम यूज करते हैं, तुम पहले लिख लेंगे तुम, क्योंकि तुम एक ही तुम है तो हम तुम लिखेंगे। तुम कहाँ के लिए होता है, कुत्र, तुम कुत्र जाते हो। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सेकंड वाली लाइन होती है, देखिए जो सेकंड वाली लाइन होती है ये यू वाली फॉर्म्स के लिए जुड़ी होती है, यू, तो यहाँ पे भी यू आ गया, तुम कुत्र, एक ही तुम है तो यानी पटसी, तुम कुत्र गच्छसी, इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब देखिए, अब उसके बाद है मैं खाना खाता हूँ, मैं के लिए आपने पढ़ा होगा अहम होता है, तो अहम लिख लेते हैं हम पहले, तो खाना खाता हूं, खाने का मतलब होता है आहार, खाता हूं आहार, अहम आहार, अहम आहारम आहार, क्या अहम आहार सही है,
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अहम आहारा गलत है, यहाँ पे होगा अहम आहारम। क्यों होगा? उसका रीजन यही है कि हमें विभक्ति के हिसाब से यूज करना होता है। मैं खाना को खाता हूँ, यानी कि सेकंड वाली विभक्ति आएगी, ऐसे ही कुछ नहीं खाता हूँ, खाने को खाता हूँ। अहम आहारम खाता हूँ, मैंने भी बताया था आई के लिए नीचे वाली थर्ड लाइन जुड़ी होती है, पहला एक ही आई है, तो यानी खादामी, अहम आहारा खादामी। हम खेलते हैं, हम के लिए होता है वयम, खेलते हैं यानी कि खेलते हैं हम, वो भी हम, यानी कि ये वाली फॉर्म होगी हम के लिए। मैंने बताया था आपको आई यू आई आई एंड यू सेकंड के लिए, मैं और मेरे साथ यानी दो होंगे आई तो, और यहाँ पे बहुत सारे वी, तो इसके लिए ये यूज होती है पठामः। तो यहाँ पे वयमः खेलामः, तो ये हो जाएगी इसकी फॉर्म वयमः खेलामः। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो मैं इसके ऊपर एक और पार्ट लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।
on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.